राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर है। सबसे पहले वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वो सड़क मार्ग द्वारा देहरादून के लिए रवाना हुई। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ में राष्ट्रपति उम्मीदवार का स्वागत किया गया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू शहीद स्थल पहुंची। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के शहीदों को याद किया और उसी मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने सांसदों और विधायकों के साथ में बैठक भी की। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। ये एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जो कि इस समय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची हुई हैं। सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद रहे और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू लगभग सभी राज्यों के दौरे पर इस समय है, एक एक करके सभी राज्यों का दौरा इस समय कर रही है। चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव से पहले पहले ये प्रक्रिया देखने को मिली। और देखिए, ये उत्तराखंड का कल्चर है जो कि दिखाई दे रहा है उनके स्वागत में। यहाँ पर उत्तराखंड के दौरे पर एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मंच पर समय बैठे हुए हैं। सीएम धामी और कई नेता इस समय मौजूद रहे, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत भी किया गया। उत्तराखंड पहुंची हुई है इस समय एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर, भव्य स्वागत। ये देखिए, नेताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर स्वागत करने के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार का स्वागत करने के लिए मौजूद रहीं। आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का दौरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदगण और दो इंडिपेंडेंट विधायक यहां उपस्थित रहे। आज सभी विधायकों ने एक मत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मान जेपी नड्डा जी को और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया कि आपने देश की आज़ादी के बाद प्रथम बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है।